1060 वॉज अ ग्रेट चैप्टर. ये ऐसा चैप्टर था जो कि आगे के चैप्टर्स के लिए हाइप बना के चल दिया. वी गॉट सम न्यू थिंग्स टू सी. बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में आफ्टर दिस लेम एस इंट्रो. लेट्स बिगिन. वैसे क्या तुम भी ज़ॉम्बी रिलेटेड टीवी शोज, गेम्स, कॉमिक्स पसंद करते हो? क्या तुम भी रेसिडेंट ईविल जैसे ज़ॉम्बी सर्वाइवल सीरीज के फ़ैन हो? अगर हाँ, देन आई रिकमेंड यू दिस कॉमिक जिसका नाम है ज़ॉम्बी वर्ल्ड. ज़ॉम्बी वर्ल्ड इज़ अ हॉरर सर्वाइवल कॉमिक जिसमें ज़ॉम्बी आउटब्रेक होता है एंड उसमें हमारी मेन कैरेक्टर्स को सर्वाइव करना होता है. स्टोरी इसका कोई बहुत खास नहीं है, बट द एक्शन यू विल लव इट. आर्ट स्टाइल इस कॉमिक का बहुत मस्त है एंड गोरी सीन्स भी भर भर के है जिसको देख के तुम थ्रिल्ड फील करोगे. द प्लॉट इज़ नॉट यूनिक बट नॉट बोरिंग टू. ये अवेलेबल है बिलीबिली कॉमिक्स में जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद ज़रूर से चेकआउट कर लेना इसे. इन अ वे तुम इस चैनल को सपोर्ट ही करोगे एंड साथ ही में तुम थोड़ा एक्शन कॉमिक इन्जॉय भी कर लोगे. सो ज़रूर से देख लेना. ओके, सो ये चैप्टर आधे से ज़्यादा फोकस किया है स्ट्रॉ हैट्स पे. लूफी एंड उसके क्रू को फाइनली वो सब चीज़ पता चल गया जो दुनिया में हो रहा था जब ये वानों में लड़ाई कर रहे थे. रेवेरी में हुई हरकतें, वारलॉर्ड सिस्टम का एबॉलिशमेंट वगैरह वगैरह. एंड लूफी एकदम स्टूपिड ब्रैट जैसा बात करते हुए दिखा है. ओवरऑल थोड़ा फनी टाइप्स दिखाया है इस पूरे सिचुएशन को ओडा ने एंड पता नहीं क्यों मुझे ये इतना फनी लगा नहीं. बस एक चीज़ अच्छा लगा कि जब सब ज़ोरो को बके तब ज़ोरो ने सिर्फ सांजी को ही वापस बका. नाइस. लेकिन इस चैप्टर में एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि लूफी को हानकॉक, ब्लैकबेल्ट, कोबी की सिचुएशन के बारे में अभी भी नहीं पता. रॉबिन बताने वाली थी बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सोच के शायद छोड़ दी वो. एंड लूफी खुद ही ज़्यादा सुनने में इंटरेस्टेड भी नहीं था. इसके अलावा लूफी ने अपना ट्रू ड्रीम बाकी क्रू मेंबर्स को बताया है. आई वंडर कारिबो सुना कि नहीं ये चीज़. शायद से उसने नहीं सुना, बैरल में उसको ढंग से सुनाई नहीं दे रहा ऐसा बोला वो. पूरा क्रू का रिएक्शन दिखा है जिसको देख के अभी भी कोई गेस नहीं कर सकता कि लूफी का ट्रू ड्रीम क्या है. भाई कितना टीज करेंगे भाई ओडा ये चीज़ को. जो भी लूफी का ड्रीम है आई होप अच्छा है. पता चला रियोकोगियो जैसा कुछ निकल रहा गंध. वेल, हमें ये भी पता चल गया कि शैंक्स को भी लूफी के ट्रू ड्रीम के बारे में पता है. नाइस. इसके अलावा हमें साबो, ईमू, गोरोसे वाला शिट दिखा है जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में ऑलरेडी बात कर लिया है. देख लेना इसको. एंड क्या साबो बच जाएगा? ऑब्वियसली वो खुद को आग से कवर करके या फिर कुछ और करके, कुछ ना कुछ करके वो बच ही जाएगा आई एम श्योर. एंड गुड थिंग इज कि हमें कन्फर्म पता चल गया कि साबो ने कोबरा को नहीं मारा. नाइस. बाकी के चैप्टर में हमें लूफी लोग ही दिखे हैं अपने नेक्स्ट आइलैंड की तरफ जाते हुए. नेक्स्ट आइलैंड कोई बर्फीला सा आइलैंड है शायद. मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये एल्बेफ नहीं है क्योंकि एल्बेफ में बर्फ़ गिरते हुए हमने देखा है क्या कभी? मुझे याद नहीं. वो शायद रॉकी टिप्स का आइलैंड था ना. बट ऐसा भी हो सकता है कि एल्बेफ में कोई ऐसा बंदा है जिसकी वजह से ये बर्फ़ वाला क्लाइमेट हो गया है वहाँ पर. आउकेजी में भी, या फिर स्नो स्नो फ्रूट का कोई नया यूज़र में भी, क्या पता. बट बॉनी बच्चे फॉर्म में स्ट्रॉ हैट्स को मिली है. आई वॉज वंडरिंग कि बॉनी को कब ओडा ढंग से दिखाएंगे क्योंकि शी इज़ दी ओनली वर्स्ट जनरेशन पायरेट लेफ्ट जिसका कोई बहुत मेजर रोल हमें नहीं दिखाया अभी तक. अब दिखने वाला है. बाउंटी बॉनी का ठीक ठाक ही है बट ये मरीजोआ से इधर कैसे आ गया वंडर. मरीजोआ में कुमा को तो रेवो बचा ली, तो ऐसा कुछ हो सकता है कि रेवो बॉनी को इन अ वे हेल्प मांगी शायद, क्या पता, ये बोल के कि कुमा को हम संभाल लेंगे, तुम दूसरा कोई काम करो इम्पोर्टेंट सा. ऐसा कुछ सीन हो सकता है. या फिर तुमको याद होगा कि मरीन फोर्ड वॉर के बाद ब्लैकबेर्ड ने बॉनी को पकड़ लिया था एंड फिर अकाइनू बॉनी के पास पहुँच के भी उसको मारा नहीं था. दैट मीन्स बॉनी इज़ इन सम वे स्पेशल. मे बी आउकी जी बॉनी को पकड़ना चाह रहा है फॉर द सेम रीज़न. बॉनी जिस हालत में दिख रही है ऐसा तो लग रहा है कि वो किसी से लड़ी है अभी, वरना अपने छोटे फॉर्म में क्यों होती वो. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो ऐसे ही फंस गई बस इस स्टॉर्म से में. पता नहीं ये स्टॉर्म है, वर्लपूल है, क्या है पता नहीं, बट काफ़ी कूल दिख रहा. ज़ोरो बीच से काट दिया इसको लमाओ. बाकी तो आई गेस कुछ दिखा नहीं है, इतना ही था, दैट्स इट. काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हुई दिखी है इस चैप्टर में हमें. काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था ये. ये वाला वीडियो ज़रूर देख लेना क्योंकि ये एक टाइप का पार्ट वन है इस वीडियो का, मे बी, पता नहीं. एंड अब नेक्स्ट वीडियो में सुनने मिलेगी. तो बाय बाय.